बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में उनकी 72 घंटे में ये दोबारा गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही टी राजा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, मुझे आज या कल में गिरफ्तार किया जा सकता है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मेरे देश मेरे धर्म को बुरा कहेगा तो मैं उसे उसी भाषा में जवाब दूंगा, चाहे इसकी सजा जो भी हो। अब हिंदू पीछे हटने वाला नहीं है। आशा करता हूं कि इस धर्म युद्ध में हर हिंदू हमेशा की तरह मेरा साथ देगा। जय श्री राम। जिस वक्त टी राजा को अभी दोबारा गिरफ्तार किया गया, कुछ देर पहले प्रदर्शनकारियों के बीच जो टी राजा के समर्थक थे उनकी भीड़ भी उनके घर के बाहर जुटी और वहाँ पर टी राजा के समर्थन में जय श्री राम और भारत माता की जयकारे लगाए गए। टी राजा को फिर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि उन्होंने सोमवार को ही एक विवादित बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद को लेकर, जिसके बाद सड़कों पर उनके खिलाफ भीड़ ने उतरकर प्रदर्शन किया और सर को तन से जुदा करने के नारे प्रदर्शनकारियों ने लगाए। इस बीच उनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई है। 72 घंटे में ये दूसरी गिरफ्तारी है उनकी। 23 अगस्त को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद राजा को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पहले उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का ऑर्डर दिया था, लेकिन बाद में ऑर्डर को वापस लेते हुए राजा सिंह को चेतावनी देते हुए बेल दे दी गई थी, लेकिन अब दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।